किरानवा कहाँ बा? किरानवा घर में बैठे पढ़ाई करता। तो इतिगान स्कूल लेके जाए? अब लॉकडाउन में कहाँ स्कूल खुली? लॉकडाउन में स्कूल नहीं के खुला था, तो घर में पढ़ाई करता ऑनलाइन से। अच्छा अच्छा, लॉकडाउन के चलते तो सब तरह देखे थे स्कूल बंद है, बात घर में ऑनलाइन से पढ़ाई तो अच्छे बात बा। किरहरियो तो पढ़े के पढ़ल नो बेटी के। हाँ तो ही बोला है किरण बेटी, आवा बाबूजी बाहर बोला बतारन। आवा दानी भाई। आवा पढ़ाई बता। लॉकडाउन से कहाँ पढ़ाई है? घर में पढ़ता रू। हाँ भाई जी देखिए बेटी आगल बात करी कथी कथी बोले। एति घंटा सब तरह स्कूल के पढ़ाई बंद बा, घरे में ठीक बा, बढ़िया से अपन पढ़ाई कर, ऑनलाइन से तो अपन पढ़ी बा, कोनो कुछ कमी बेसी हो तो अपन माई से समझ लिए, ठीक बा। जा जा तू घर, जा घर मेरा पढ़ाई कर। देखी जी बेटी जवान हो गई बा, बेटी के बारे में कुछ सोची नहीं कि ना? रे ये बात तो हम अपने सोचे पाने दिले रहते टेंशन। अब जवान हो गए, बेटी के कोनो गलती काम हो गई तो कथी करल जाए? ऊँच नीच हो गए तो कथी करल? पर शादी ब्याह ला नहीं के सोचा था? शादी ब्याह के बात नहीं करना, सबसे पहले हम कई जगह भी देख ली, घर भी अच्छा मिल जाता, लड़का भी अच्छा मिल जाए, लेकिन जमाना ऐसा रदी हो गए कहीं भी बिना दान दहेज के तिलक ज्यादा। वो बात तो बाटी, बिना दान दहेज के ब्याह नहीं के करता। लाखे से बात होता, 10 लाख 20 लाख, आ हम गरीब आदमी उतना पैसा कहाँ से ले? टेंशन तो दिन रात हमरो बन रहा था। हाँ ये बात की बात, अब बेटिया के ब्याह कराए के ना पड़ी, जवान हो गई ना बेटी मेहरारू। हम जनई ताली की घर में जवान बेटी हो जाए तो बाप के सिर पर वो बोझे रहल। शादी ब्याह करा के हटा दे तो हम ये कि माथा हल्का हो जाए। टेंशन ना कर, हम यार जी के फोन कर देले बनी। हाँ। यार जी होते हुए आ यार जी भी हमरा कहलन कि देखी ना हम एक लगे लड़का देखले बनी। आ यार जी बताता यही बेर हम निकल तनी। हाँ जी हाँ यही बेर जाए, कहीं ना कहीं लड़का फिट करके हम फिर जरूर आए। ठीक है ठीक हो जाए ना किनारियो, बेटी जवान हो गई बाकी, अब जवान देखो तो नहीं कैसे बाकी लड़का के इन्हें उन्हें जाए मत दिया। ठीक है तू अपना आप तुम कमतारी बढ़ो ओकरा नजर पर रखी, ठीक बा। यार जी राम राम। हाँ राम राम यार जी, आई हो और सब? हाँ आई बैठे बैठे यार जी, सब ठीक बा, अपन सुनाई चल लिए जाए था लॉकडाउन में मिला जुला के। बउआ कहाँ से पानी भेज दे रे यार जी? हाँ यार जी तो लॉकडाउन में कहते काम धंधा चल था कि ना? काम धंधा सब ठीक है चलत यार जी, लेकिन टेंशन तो क्या एगो दोसर बात के हो गई। हम तो कहम तब ना टेंशन हम बताएम तब ना कहती बा कथी बा यार जी। घर में लड़का सब ज्ञान हो जाले तो गार्जियन के टेंशन होबे कर। हाँ। अब देखी लड़की जवान बा। हाँ। अब कहीं जाई तड़ी दूरा पर केहू के दरवाजा पर तो 10 लाख 20 लाख से कमी नहीं खेबू। हाँ। हम गरीब आदमी के पैसा आई कहाँ से? कथी करम दहेज नु बहुत बड़का चीज हो गेल बा, बताई ना हम कौन उपाय करू? गांव भर के लोग के हम चरा दिले, सब लोग कहले कि मोबाइल होशियार है, आ अपने घर में टेंशन हो गया, हमार कोनो बुद्धि ये नहीं खिला यार जी को बात बताई। बताई अपने की बुद्धि भी बा, आ जब करबे करम लड़की के शादी दहेज तो कोनो लंग जाए पाँचों काठा रही चाहे दुइयों काठा रही तो 5 लाख 4 लाख से कम लेना। 5 लाख 4 लाख 15 लाख 20 लाख ऊपर से 4 चक्का गाड़ी मोटरसाइकिल सुनी ना, तो बुद्धि ना लगाम नु यार जी, तो बॉबी के शादी ना हो। हमारे पास एगो लड़का देखले बानी, एगो सेट बाटे बहुत धनी बाटे, होगा 10 बीघा खेत बा। कहाँ कहाँ के बा? वो विजयपुर नहीं की विजयपुर? हाँ हाँ उहे के बाकी। तो वहाँ के सेठ जी के नाम राम धनी बा। राम धनी? हाँ चिन्ह बाड़ी अपने। तो बड़का घर बा, बहुत लम्हर लोग बा। तो हाँ बड़का लोग तो हमें अपने सब गाँव के लोग चलाई ले कि ना जाएगी? तो वहू में बुद्धि लगाई ना, तो ओकरा दूरा पर ना जाम यार जी। काहे पता चलल हो कि कितना अगुआ आयल ऊपर दहेज सुन के भाग गया यार जी? रोवा टेंशन मत ली, ठीक बा। कथी बानु चल ली हम बानी नु, रोवा बुद्धि लगाएम जे में कम में से कम में शादी होई तो होई, रामधनी के पास शादी होबे करी, लेकिन रोवा चली हो जा। ये तो सही बात करी यार जी, जो लोग कोनो बुद्धि ना लगाम दिमाग ना लगाम तो शादी कर मुश्किले रहल। उहे बात तो कहतनी
लेकिन ये बताई यार जी, ये मगर ये नियम नहीं है ठीक। लड़की वाला के देह पर, लड़की वाला के माथ पर कितना टेंशन रहले, लेकिन लड़का वाला ना सोचले हमारा दहेज चाहबे करे। दहेज के चलते लड़की वाला के टेंशन होकर आज वह टेंशन हमारा बा बा दहेज चाहिए। जब अपने ऐसा बात कर ली तो चली रहू हमारा साथे रहूगा, एगो हमारा साथे रहे न, हम कम से कम में शादी कर लें। चली पहले पानी पे, ए पानी ले आओ ना रे, बहुत गर्मी हो भाई यार जी, पानी भेजबे। पापा जी गोर लगता नहीं, खुश रहा खुश रहा। मुंशी जी जी, कल 244 नंबर से फोन आये रहे जी सेठ जी। हाँ वहाँ कहनी की सेठ जी, हम दरवाजा पर आ रहा बानी बचिया के दीदी संगवन के जोड़े खातिर जी जी। अब सोचे तानी यही खातिर फैटी ना गई हा जी। अगुआ लोग अभी ना आये तुम लोग का ना, बस पुगे तो 10-15 मिनट में। अच्छा, बहुत मजबूत अपने के दूरा पर चिंता काहे लेत बनी। अब जो आई दरबार पर ये मजबूते पटी आई। हां हां जी, रवा वो काम करी जी सर जी। कुटुंब लोग के आवे से पहले जी, जियालाल साजी के होटल से जी जी बनिया मिठाई जी पैक करवा के हां 10-15 पीस अपने चिंता एक बेर न लियो, उ सब आबते हो चली तब और सब जोगार करी छी। हां ठीक जी, प्रणाम प्रणाम। बैठ जाओ बैठ जाओ। सेठ जी ली ठंडा भी कहाँ आई रुआ जी। हम अपन बचिए के लगी घर के देख रहे घर कहाँ मेरा फिर घर है गौर गौर जी। हाँ तो बबुआ के तक कितना पौना लोग आई लन देखे खातिर अभिषेक नहीं है भाई। बचिया पढ़ाई लिखाई करे लेगी जी, पढ़ाई नहीं करेगी। कितना तक पढ़ाती है? प्लस टू करती है। बबू पढ़े में बहुत टैलेंट बा, नाम सुन रही हो कम रोगा। लेकिन सर जी लेन देन कर ली। अच्छा ठीक बा, पहले आयल बड़ा कुटुंब लोग पहले लड़का देखी हन जी। लड़का सेट भैला के बाद लेन देन तो होबे करी जी जी। लड़का हम लोग ना देख, हम लड़का देख ले बने। अब रहल बात लेन देन के, कितना ले हम अपने कथी कथी चाहिए जी अपने डिमांड करो। जमाना तो ऐसे महंगाई बा, दान दहेज के तो ऐसे पहले परंपरा से भी दान दहेज ना रहे, लेकिन नया पायल बा सब आदमी के मांगे के सिस्टम हो गए। ऐसे तो लोग कहला कि बड़ा बुजुर्ग लोग कि केहू से कुछ मांगल एकदम भी के बराबर होकेला, यही से हम लोगों से कुछ मांगे के रही चाह बस कम सीमा। हमार हसीियत देखी और प्रॉपर्टी देखी कितना बस सब कुछ रुआ मालूम हुई बा। एगो नेपाली प्लेट 4 चक्का स्कॉर्पियो दे दी, 55 लाख रुपया दे दी, 4 तोला सोना के सिगड़ी बनवा दी लड़िया खाती। वो 5-7 से बरियतिया के स्वागत कर दी, शादी हुई। देखो अपने जानते भाई, हम अपने से हैसियत में कुछ कमी नहीं थी, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़का बड़का बिजनेस है। अब रहा बात लेन देन के, तो अपने के हम 55 लाख ना दे सकें, 45 लाख रुपया दें तो चलू अध्ययन में। अपने के गाड़ी भी जो दिमाग में गाड़ी पैसा अध्ययन में अपने ले लूँ, लेकिन 45 लाख से 1 रुपया ज़्यादा ना दें। ऐसे
हमरा तो 1 करोड़ देवे के लोग चाहता, लेकिन लड़की ठीक लिखी बहुत पसंद इस सब नहीं कर साली। लड़की सुंदर हुई तो करें, लेकिन 55 लाख से 55 रुपया कमी ना हो जी, कह देनी एकदम कम सीमा में जी ना। हम 45 लाख से 1 रुपया ज़्यादा ना दें, हमारे लड़की काटे वाला नहीं है। लेकिन मौका हमेशा ना मिलेगा। मान से जी चुप रहे। जब रो बिचारे रहिए करे के उतना पैसा दे छोड़ दी ना करे, कोई कह देनी तो कह देनी। देखो सर जी, हमारा अब अपने के 45 लाख से ज़्यादा ना दे सक। राजी बाड़ी तो बोलू, अन्न बाड़ी 45 लाख में शादी ना हो। सर जी सुनी ना, 5 लाख उन्हें चढ़ा दे, पर 5 लाख सही ना। मुंशी जी जी, रघुआ अपन औकात में रही, हम जहाँ बोली रघुआ मत बोली। तू करो ना जाने जी। 55 लाख से 55 रुपये कम ना हो। जो कह देनी बस चाहिए तो उतने चाहिए, उसे 1 रुपया कम ना। 45 लाख रुपया से 5 पैसे ज़्यादा ना दे। जी बामोन सिंह जी जी, अब जाप कुटुम बड़ा नाइलन द्वार पर शादी हो को ना हो को नाश्ता कराइए करा। चलिए अब नाश्ता पर चली, तो छोड़ी अब जब बात नहीं मिली नाश्ता पानी क्या करा लगी ना, कम से तो क्या खा ली। ठीक बैठे कोई बात नहीं, आए बड़ी तो कम से भोजन का बना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सेठ जी रिश्ता तो ठीक ही आई रहा, का कर मोहन सिंह जी रघुआ अपन औकात में रही, हम जो कहे मुहे हुई हम कह देनी 55 लाख से 1 रुपया कम ना हुई जी ना हुई। हम जनक दिन मारी तो बूढ़ हो तुलसी जी। जी सर जी, मेहमान लोग तो चल गए जी, लेन देन में ना सके वाला भाई जी, लेकिन एक और फोन आई रख जी। कहा था कि हम 10 मिनट में पूगे वाला बनी जी, पूगी तो अपने पेश निम्न व्यवहार से पेश करम। बहुत बहुत 55 लाखवा में बिलगाई दे ली, तो दिरा जाइए अपने के लड़का आड़ी पर लड़िए लेकिन ठाड़ा। मनसे जी का बकत रही नहीं बिना काम करना, हमर कहना मुँह न अब अच्छा से अब अपने के लड़का जवान सब कुछ आशा से होई, हमरा चाहिए पैसा। जी सर जी, पढ़ेले बानी तो फोकटी हो जाई, रुआ तो सिर्फ तनखा चाहिए महीना से पहले, रुआ कुछ जोड़े आवे तब नू। जी सर बैठी। मनसे जी। जी सर जी, रुआ नहीं थी जाना जी, अच्छा जिस दिन से हमर बेटा जन्म भइल बा जी सर, जितना खर्चा लागल बा सब हम लिख के रख ले बानी। हम सब ले, हम तो दहेज में सब एक बार ले ले हैं जी सर। सब बानू अच्छा, ये सब सेठ जी के बारे सब जो ने लोग बेटा। अच्छा ये पूरा मकान बैठ का सेठ जी के बारे। सेठ जी के बारे। चलिए चलिए आई आई। प्रणाम 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 प्रणाम। बैठी 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 यार बैठी बैठी अच्छा कहाँ से आए रहो? देखिए ऐसे में हमर घर मौलापुर पड़ल। मौलापुर जी जी अच्छा अच्छा। इन्हें हमारे यार जी बढ़ान हम मौलापुर के बानी जी जी ठीक। अब अपने के दरवाजा पर हमने के आवे के कारण ये बा कि सुने में आल कि रुक के लगे वो लड़का बा जी बाहर से पढ़ाई करके आयल बटे। हाँ हाँ, अपने के बारे में सब हमारा पता बा। अच्छा, कंपनी के बारे में भी चाहे घर द्वार जौन बा सब हमरा जानकारी है बा। अच्छा, सोचल गया कि चली केहू कहीं जाला तो सब कुछ सोच समझ के जाला कि उनका पास का हसियत बा का बा ऐसे ही वाला। अब मुझे जी पानी नहीं लिखे दी लोग फुल बके खाली सब्जी रह गई, कुटुंब आए द्वार को फट पानी देवे के चाहिए, स्वागत में लागल है घर तो बहुत अच्छा लागल। सब कुछ जानिए सुन के आये रहे सेठ जी के लागे का हसियत बा का मांग हुई लड़किया कितना तक पढ़ा तो सब कुछ मालूम ही रहूगा। सेठ जी सब कुछ मालूम बा हमरा, अब रघु के सामने हम हसीय तक कम बा, लेकिन आ गेल बनी कि चले सेठ जी के लगे जाए, अपने के नाम भी सुने ले कि गिरल के उठावे के पड़ेला, रघु हमरा जरूर उठाए। जब विश्वास करके आल बनी तो आशा पूरा तो जरूर हो। यह बात बाकी रघुआ के लड़का के हाथ हम मांगे आलू
एगो हमने के रिश्तेदारी होए के चाहिए। बढ़िया बात बा कि लड़का लड़की जवान है तो शादी तो किन्हू ने किन्हू करे के पड़ी। हाँ हाँ कैसा रहल बात कि लेन देन जौन बा जौन हमरा के बताई हम उस सकम जहाँ तक देवे कर हम ही नहीं के कहत कि नहीं के देवे के ना रहूँ तो ठीक बा पहले नाश्ता वास्ता करी ठीक बा ओकरा बाद में लेन देन के बाद हुई। अच्छा नाश्ता तो अब सब दिन ला अपन घर हो गए तो आप कर ही के बा होते रह करते रह नाश्ता कौन बड़का चीज बा यार दी गलती किसी का फर्ज का रहुए के तो फर्ज बनले बा रहुए बस नाश्ता हुई नाश्ता काहे ना हो सेठ जी बुझाई ता लेन देन हो जाए बुझाई ता दू रिश्ता जुड़ा जाए चली पहले नाश्ता करावे ता ठीक बताई नाश्ता कराई तैयारी बा चली चली नाश्ता नाश्ता तैयारी बा चले तैयार जी चली नाश्ता आई 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 ठीक हो ठीक चले चले नाश्ता हो तो ओकरा बाद ठीक लेन देन तो होबे करी मनसे जी जी नाश्ता हो ये क्या ना हां एको खाए ले कम से सुने खाई खाई रिश्ता एगो नया बन रहा जिंदगी भर के सौदा हो जी। हम तो अब अपने लिए का भारी पार्टी ना भाई फिर भी जहाँ तक ले सकम तहाँ तक ले देवे करम देवे करम मिलेबे करी बेटिया वाला ऐसे तो केहू ना कहला कि हम भारी पार्टी बानी हमरा लगे पैसा बा दहेज इतना दे सकता नहीं ये खैरा के बाद में बतिया जाए नाश्ता करी कथी बा बहुत कुटुम आयल हुई जी अपने के लड़का के देखले हुए हमहू लड़का देख गलती के साहब जी अपनहू मांगले वो हम कुछ मांगी ले दान दान हेतना चाहे उतना वो सबसे पीछा हटे वाला लोग नहीं किया लेकिन जे ही हम 2 रुपया जब सरकार ले हम तब बुझू कि अपने के मिल गए तो ये लोग कहा तब बबुआ के देखे खातिर बबुआ के बोला नहीं जी सर जी रुकी हम अभी लेके आवे ठीक अब कथी बा कि एति घंटे का टाइम भी कम बा आ हमनी के लड़का के देख हम आ देख के जवन दुगो बात बा बतियाई बढ़िया बात सुनो सेठ जी के लड़का बनी तो ठोस ठोस जवाब दे मानी मन से प्रणाम पाती है अपन व्यवहार न भूले के चाहे संस्कार ठीक बात जी हम बुला को समझ ले बड़ी ना ना हम तो सब विश्वास चलो नाम कथी बता है राजनंदन कुमार आ बाबू जी के शेठ राम धनी जी आ घर विजयपुर कितना तक पढ़ले बड़ा बैचलर तक जी सेठ जी के लेके बात कर दे तो पॉइंट देता हूं ना ठीक बात लेके बात बाकी बबुआ के कही जाला बबुआ कहाँ पढ़त रहल ना इंग्लैंड कहाँ इंग्लैंड बा ना जे विदेश में पढ़ला अच्छा इंग्लैंड जी भैया यार जी लड़का तो पसंद नहीं बा तब एक बार लड़का पसंद है भाई यार जी हमने की लड़का अच्छा लागल बढ़िया बा पसंद हो गई जोन बात है ये बात सामने बा देखी अब रहा बात की हमनियो के अब कहां कहां फेन लहर बढ़ाए ना ना जोन जरूर पे बा हम लड़के लगे देखे अच्छे के आ हमने के आगा बात बढ़ावल जा ठीक है ठीक है ठीक बा बबुआ लो बुआ प्रणाम पाती करो सर जी अब रहा बात के कुछ लेने दोनों बात हो खो तो लड़का देख लेनी नाश्ता वास्ता हो गया आराम से सब कुछ हुई हाँ हाँ आगे बनी तो बातचीत होबे करी होबे करी कैसे कुछ बात रहने की कहे के पड़ेला सेठ जी जी ना कहा से तो कोनो बात न पूरा होके ना ना हुई हाँ हाँ अपने के कौन चीज के लेन देन बा कथी कथी चाही ऐसे जब संबंध जोड़े के चाहत नहीं लोग हाँ तो हमारा पीछो ना चाहिए
बस 65 लाख रुपया हैंड कैश दे दी। 65 लाख बुझी अपने को उपकार शेर जी अपने कुटमाइती जो सबके कुछ। हाँ मन सर, अरे वो कुछो हमरा से मांगन तो हमरा लेल कमे पड़ेगा। हाँ बहुत मन, वो 65 लाख रुपया हैंड कैश कर दी। अच्छा अच्छा, और नेपाली प्लेट चार चक्का है स्कॉर्पियो दे दी। कुछो न लड़िका के चार तोला के सिगड़ी बनवा दी, बसरते हुए 15-16 से बराती के बढ़िया से सेवा सत्कार कर देवल जाए। जी जी, और जोन बुझाई अपना से थप के दे देवल जाए। अब रहल बात की जमाना तो ऐसा आइए गल बा कि बिना सीए सोना के बिना लड़के के हलवानी चढ़वे करी गाड़ी चढ़वे करी सब ठीक है बा। बहुत बढ़िया लागल, हम यही भी इच्छा पूरा इरादा के रखले रही है कि सेठ जी जान तो जरूर हमने पाओ खाए जी। हम कम से कम काहे बतैनी है कि रिश्ता हमने के जुड़ जाओ। अब रहल बात सेठ जी की रहुआ के तो बैठा वाला बानी, रहुआ के तो हके ब मांगे आ हम तो लड़की वाला बानी, कहाँ रहुआ आसमान में हम कहाँ भुइया में। ना ये बात मत बोली, लड़की वाला एगो रहुए लड़की वाला नहीं की, सारा दुनिया लड़का लड़की वाला बा, केकरो लड़का लड़की दोनों बा, केकरो खाली लड़की बा एगो दूगो ऐसा भी होकेला। फिर भी लड़की वाला के देले से लड़का वाला के आत्मा खुशी होकेला। दान दहेज के फैशन जमाना बा, आ तो चाहबे करी। बात यह बस सेठ जी कि रहुआ कहानी हमरा बहुत अच्छा लागल, एगो रिश्ता बनेला नहीं बड़ा मुश्किल से बनेला। सही बात, रहल बात लेन देन के तो हम ये कहे के चाहम कि हमरा शक्ति बहुत ना हम बताएबे करें जी। आ देखी जवन हम मुँह से कह दिली तो वो बुझू भी अपने के मिल गए। हाँ हाँ सोपर आदमी ये बातें हैं, तब सुन लो साकार ले वाला कि हम इतना दहेज दे हम हई चीज दे हम हई दे आ बीच में जाई जाई वो गिदरिंग कर ले वाला गिदरिंग चल बात विवाद हो जा विवाद हो जाला। हम कोई बात ना, हम करेक्टर हमर गांव में पूछे यार जी अपने के जब थी सकरा जाई ना। हाँ कुछ बस मिल गए कहल गई बा, पैसे के पहचान भाई है इंसान के कीमत कोई ना। जी जी, पैसे निकल जाई घोर कलयुग है, बेगर पैसा वाला से मोहब्बत करेला कोई ना। हम सुनले बाड़ी अपने के जिला जवार में नाम बा। अब हमरा तरफ से कथि करू कि जब रिश्ता चलावे के बा एगो हमरा से नेपाली प्लेट मोटरसाइकिल ले। ओके ओके ओके, मोटरसाइकिल नेपाली प्लेट ले लूँ। अच्छा हाँ बिहाने कसवा लू, वाला टेंशन नहीं। ओके ठीक है, ओकरा बाद अपने के घर के कपड़ा लत्ता जोन बा तवन था उ तो कहे ना बात के देली। ओके लड़का के हलवानी हम बनाइए दे हम, आ पैसा के रहल बात तो चले 5 लाख रुपया हम एक बेर बिल दी कर। ओके मुंशी जी शादी कर आयल बानी रिश्ता जोड़े की मजाक करे सेठ जी, कहाँ 65 लाख कहाँ 5 लाख कहाँ 4 चक्का गाड़ी कहाँ 2 चक्का गाड़ी कुछ समझ में नहीं है, कहाँ 4 तोला के सिगड़ी कहाँ हलमानी। सेठ जी तो अभी देता माने कि दूरा पायल बा तो छींक रहल बा, एगो छींटा के हिसाब से दे रहल बा लड़का के। वैसन ना बात हो गेल जौन बात हमरा लग होई डिक्लियर एकदम ओमे लटपट सटवा सफा ना। सेठ जी सबसे पहले कथी बा कि पैसा कौड़ी खोजम जहाँ अपने के रिश्ता निमन ना मिले, आ जहाँ रिश्ता निमन मिले था वहाँ तक पैसा कौड़ी जरूर कमी। रिश्ता में कमी बेसी हो सकेला लेकिन पैसा में जब कमी बेसी हो गया तो बेटा वाला के कलेजा फाट जाला, वहाँ रिश्ता करे के बड़ा अच्छा लगा गया। तो कथी बाकी सेठ जी अपने के लगे कही तो हम हाथ जोड़े तारी। ना ना हाथ मत जोड़ी, हम गरीब भगवान के लगे जोड़े के चाहिए, हाथ लगे हम तो रहो जैसे चले। अपने के 10 लाख रुपया आए वो मोटरसाइकिल आए अपने के एक तो लगे हम सोना, और हमरा के ये कहम कि हमरा उठा ली जब रहुआ शादी करे के हमरा घर में चाहता नहीं, बबुआ पसंद बा अपने के बबी के होगे हा लड़का सब कुछ ठीक ठाक बुझाता तो हम 5 लाख रुपया कम कर देते, 60 लाख रुपया 4 चक्का तो चाहिए तो चाहिए नेपाली प्लेट स्कॉर्पियो ठीक बा, 4 तोला से पौने 4 तोला दिन का शादी ना। सर जी
बारात के भी हम के बारात के भी टंसनार रास्ता के व्यवस्था हुई में कोनो तरीको दिक्कत ना रहुओ के अच्छा सा कुर्ता पहनाई जवन लोग देखे दुकान चले का दो चार सेठ जी के दो चार जूता चाहिए दो चार जोड़ी जूता दो चार जोड़ी ना सेठ जी हमारे संधि जी कह दिए कि हमरा 10 जोड़ी जूता चाहिए हम लड़का सब के कहवा के व्यवस्था कर सेठ जी अब रघु कहत नहीं तो ठीक लागल लेकिन हमू कहत नहीं तो रघु नहीं के बुझा हाँ ये काहे न बुझे उम्मीद रख के आ रही कि सेठ जी हमी के गिरल के जरूर उठाई अगर हम जानती कि रघु इतना लालच वाली या तिलक दान दहेज के लालची वाली तो रघु के दरवाजा पर हम ना आई आ नाश्ता भी करा देनी वो हमरा बेकारे बुझा हमनी हाथ न दोती चली रिश्ता पसंद नहीं खे कोनो बात नहीं खे रहुआ आवे से पहले जिकरा द्वार बजाता नहीं ओकर हसियत के बारे में पूरा पता क के तब जाए के चाहिए रहुआ कहाँ आयल बानी पता बा हमरा हसियत के सामने ई पंचायत में केहू नहीं खे ठीक बा रहुआ कहानी जौन हमरा अच्छा लागल ई रिश्ता चले वाला नहीं खे हम आके अपने के दरवाजे पर पानी पी ली नाश्ता भी कर ली सब बेकार बा अगर हम जानती कि रहुआ इतना दहेज के लालच बानी रहुआ के रिश्ता ना पैसा चाहिए तो रहुआ के दरवाजे पर हम ना पी हाथ ना धोती गेल आवे से चली आ जी शादी उदी अब छोड़ी बातें हटाई हम नीचे दोसर दुआरी देख लेम ठीक बा जा सकत अभी लेकिन रहुआ के एक बात सोच ली आज से कहीं भी जाए लड़की के खातिर लड़का देखे लड़का वाला के हसियत पता करके जाए कि वह द्वार पर हम जाए खाती लायक बानी कि ना बानी सब सोच के आवे के चाहिए हम जो कहनी हाँ एकदम कम कहनी है कि रिश्ता हो जाओ बहुत कुटुंब आए लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ कहनी मंगनी हमारा हसियत जुगत अपना लेकिन इन लोग के पसंद न भाई पैसा बुझाई ज़्यादा माना था इसे रघुआ से हम कम कहनी राव राव लड़की बहुत सुंदर भी है इसे पता लागल कि अपने के बेटी बहुत सुंदर बा ये सब 65 लाख में तैयार बनी तो हम कहाँ 65 लाख का थी 1.5 करोड़ के हसियत था रघुआ हमारा एक ठो इज्जत नहीं की करे इज्जत हम तो रघुआ के निमन समझ के आ रही कहा तनी हैसियत तो हई कुर्ता देह के मत भूले लेकिन हाँ ई जरूर रघुआ जाना तनी कि लड़की वाला के हाथ नीचा रहे नीचा तो रहे लेकिन सब कुछ सोच के बेटी वाला देवेला आ जब ऐसा बात कह दिली हमारा साथे ठीक बा रिश्ता ना हो चल यार जी जाल कह जाए जब हमनी के लड़का पसंद बा तो हमू कुछ मदद करम जे जे सेठ जी मांगत रहन ना रोगा सरकारी शादी होई तो होई ऐसे के लड़का के पूछ देली हाँ अब लड़का के पूजल लड़का के छोड़ के हमनियो के जाए के उचित नहीं उचित नहीं अपना विचार करी रे बोलगी जे जे कहता ना सेठ जी एक पैसा ना छूटी जे जे कहता रन सब मिली रोगा सरकारी चल जवन जवन चीज बा अपन पूरा होई अपने के हम देखिए हमरा सामने जौन भी बात करें जैसे आज सामने सामने बतिया था हमारा हिम्मत वाला जैसा खाली वही से बतवाए के परी फिर बिहान घिचबिच ना गई पैसा ना भइल गाड़ी ना भइल सोना ना भइल बराती खाए में हिचकिच हो जाए टेंट ना भइल सब एगो बात सुन ली अगर जब हम सरकार लेनी कि हम इतना दे हम अपने के हेतु फर्क पड़े वाला ना हाँ फर्क पड़ने के बाद बहुत मुश्किल पड़ जाए लेकिन हाँ ये वो बात हम जरूर कहम सर जी कही हम ये चाहता नहीं कि बिहान चल के हमनी के दोनों समधि में बिगाड़ ना हो के जवन चीज हो रहा बा आ जब हमरा के चेके रहे करे के बानी तो कागज के साथ लिखा पढ़ी के साथ हमनी लोग ये चाहत रही सेठ जी हाँ लिखा पढ़ी से तो और बढ़िया फ्रेश हो फरेश की बिहान चल के रहुआ के कुछ तकलीफ ना होए हाँ। हमरो कोनो तकलीफ ना हाँ। बिहान चल के अगर तो क्या पूछो अगर बात में असर भी पड़ता तो लिखा पड़ी रही पांच गो लोग देखी बढ़िया बात हम देखो हम जाली काम ना करी ले जाली आदमी सब संगत भी ना करी ले हाँ तब लिखा पढ़ी शुरू कर मनसे जी जी जौन जौन सामान सेठ जी कहता यार जी लिखवाई दीजिए लेकिन मनसे जी बढ़िया फ्रेश गते मिति सब कुछ सारा चीज भुगतान चाहिए पहले डेट लिख ली आज के डेट लिखी 2072 78 जुमा महीना आई सब कै बते बा 24 गते बा तारीख जानकारी दीता ने तारीख तारीख आज 8 तारीख बा 8 तारीख बा 8 तारीख हां शेर जी के दरवाजा पर सेठ जी के दरवाजा पर मांग अनुसार पूरा दहेज के रकम समान
मांग अनुसार पूरा रकम पूरा। शेर जी आज के डेट नीति से हमने के वातावरण जोन भाई आज एगो कुटमाइती के हिसाब से जुड़ ली। बढ़िया बात बा। अब रहल बात की डेट नीति लिखा गई, अब पैसा कौना टाइम में ले तनी, गाड़ी रुआ के कब कसाई, गहना गुड़िया जवन सामान सब कब चाही, ये दुनिया दहतर यहाँ वहाँ का टाइम बने से का जरूरी है, जब रुआ देवे वाला बनी हम लेवे वाला बनी तो सब भुगतान करी दे के जाए, मतलब दो दिन चार दिन महीना दिन टाइम ना 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 जब कुछ करे को ऐसे शेर जी जब अपने आई बनी तो दे के जाए। अच्छा तो रुआ के साथ मोर भुगतान है पूरे चीज भुगतान चले गाड़ी साथ ला के शोरूम पहले गाड़ी दे नेपाली प्लेट शोरूम से। हाँ हम ये चाहता नहीं कि एक बार भुगताने ले ली। बढ़िया होई बढ़िया वही ध्यान हमरा टेंशन ना रहे। ये तो हम खोज रही है कैसे मानसी जी जी सर जी गाड़ी के विषय में कैसे कैसे लिख ली नेपाली प्लेट स्कॉर्पियो 60 लाख की बोलो बोलो जाओ यो लिखी भुगतान जब यही वाला बना तो भुगतान लिखी। हाँ हम वो तो हम चाहता नहीं कि जब सब कुछ हो रहा तो भुगतान चलिए भुगतान भुगतान जी हो गई 60 लाख रुपया रुपया 60 लाख तिलक मधे 60 लाख तिलक मधे यहू में बाकी कहा ला हाँ भुगतान लिखी जी सर जी लिखा गया 60 लाख तिलक मधे कुटुंब के बाकी रखला से कुटमाइती ऐसा चीज विवाद ऐसा चीज बाकी कुटमाइती में विवाद होला। संधि जी विवाद हो सब को 60 लाख तिलक मधे सेठ जी के भुगतान भुगतान। हाँ लिखी सेठ जी 60 लाख लिखी पड़ी। हाँ लिखी जब देव बाबा ने भुगतान लिखी सर भुगतान और चार तोला सोना के जब बात हो गई बा तो सब में तो रहुआ भुगतान ले गलती की सही सही ए में तो कम से कम 2 तोला रहे दी जो देता नहीं रहुआ। हाँ तो अपन दमाद के देता नहीं हमारा ना देता नहीं हमारा गले में पहने के नहीं खे देम तो सारा दुनिया देखी मैच पर सुनी ना 3 तोला कर दो जाओ ना भुगतान में रह दी। हाँ 4 तोला सोना होगा जब समझे जी ये तब भुगतान में रहता है हमारा देवे के बाद। हाँ भुगतान में 4 तोला सोना एक बात कही। हाँ कही इतना कुछ भुगतान करता नहीं रहुआ देता नहीं बड़ा खुशी लगा तो एगो फ्रिज दे दी। अच्छा एगो LCD दे दी। अच्छा एगो लैपटॉप दे दी। ये तीनों पर कितना पड़ जाएगा? ये 2.5 लाख रुपया पड़ता। तो जब इतना कुछ हम जब भुगतान कर देनी तो है 2.5 जो ये तीनों सामान भुगतान लिखी। हाँ पूरे भुगतान लेकिन मुंशी जी LCD लैपटॉप फ्रिज समझी जी। हाँ ई देखम ई बारात धूमधाम से हो धूमधाम से। हाँ देखे वाला के कुछ सोचे के पड़ी जी बारात कैसन सजा के आई बा दिन उतारले वाला लड़का लड़की के दहेज के चलते सामान के चलते अपने में गिदरी ई कितना फरिया के कागज पत्र के साथ हो। हाँ ऐसे ना चाहिए ऐसे ना सोचत रहनी है ऐसे ना भाई। हाँ हाँ कुछ माइक में देखो समझी जी को लगाइए हाथ हम जोड़म कि रहुए कुछ हमरा मदद कर दी ताकि रहुआ अपना सोबे ला 10 गो लोग निमन कहे ला कि चलो सेठ जी के संधि जी के दूरा पर सेठ जी आल बढ़न तो कुछ कह के जाए कुछ कहले बा तो सुन ना जब जब ये लालसा भरुआ हम लालसा ना रहुआ के ही रहुआ के मान मर्यादा तो ऐसे हम जो कहे मुँह पूरा कर दे हैं वही नहीं। हाँ अब द्वार पर जोन खर्चा रहो लगा था। अच्छा अच्छा इसे गांव वाला हां भोज भात पे दरअसल मतलब कि हम दरवाजे के खर्च पूरा खर्च जितना खर्च मानू पूरा खर्चा हम हंस जी जी हमर संधि जी के बात सुन ली है नू जी सुन ली है मतलब संधि जी हमरा हेल्प इतने कहलन है कि हम तो सब भुगतान बा रउआ के दुरा पर जितना खर्च वर्च होई सब हम समझता जग हमर होई जी हम बहुत बात हारी जाबी हमरा दुरा के टोटल खर्चा समधि जी के देवे के बा बेटा के तरफ से ना लिखी फरेश लिखी। हाँ बेटा के तरफ से ये पूरा खर्च देवे के बा द्वार के
बेटा के तरफ से बेटी वाला के दुरापद पूरा खर्च बढ़ हां देवर ठीक बा बढ़िया बात कहे का मतलब ये रखल हां ई सब तो लिखा गेल फरेश बढ़िया अच्छा लागल लिखा गेल ई सब बहुत अच्छा लागल आज से हमने के दुनु संधि के कहियो बर विवाद के झंडे झंझटी हटा लिखल पढ़ लेकिन राम कथि भाई में कि कोनो ऐसा कागज जब लिखाई जाए आ वो पर साइन न हो त एकर एकर कोनो बात नहीं पंच भी तो देखी ना साइन सब अपने रहूंगा अपना हाथे साइन कर दी हम अपना हाथे ठीक बा ओमे कोनो झंझट नहीं के राम धनी से साइन अप साइन सही होके चाहिए आप जी हां करू यहां जब हमने के फरेश बात बा सब भुगतान बा ते में टेंशन कहां के बा कर लो के लंगन से जी नीचे कर दो नीचे हम भुगताने देवे वाला बानी ना हमरा दोसर किछो ना चाहिए ओतना लोभी में नहीं इतना हो रहे एको रुपया कम ना चाहिए लेकिन ये पैसा शादी से 15 दिन पहले सब चीज आ जाए के चाहिए रहुआ टेंशन नहीं छो जब हम लिखा गेल बा भुगतान हम लिखवा देले बानी त समझी रहुआ के मिल गए 15 दिन रहुआ के हम 20 दिन पहले लगन जाए से पहले अपने के गाड़ी पैसा रहुआ हां बहुत की लेकिन बारात धूमधाम से ले आप अच्छा ये कर लो कि दूरे पर बारात की व्यवस्था कर दू आ कि केनु होटल होटल अच्छा होटल बा हंसी खुशी होटल जी बहुत हनुमान चौक नजदीक रात भर में खाई पी कोनो टेंशन ना दरवाजा पर मुंह गुनी के टाइम पर कहीं दिक्कत हो तो सबसे बढ़िया परियतिया के खर्चा पूरा सब होटल राहुल बासन जी रहुआ के जब कहे इच्छा कि हमरा पैसा इन्हीं चाहिए लगन से 10-15 दिन 20 दिन पहले बारात आ जाए से पहले रुआ के सामान सब रुआ के हाथ तो और खुशी की बात हुई जब रुआ कहता है 10-15 दिन पहले पढ़ा देवे के सब भुगतान लिखाई गई बा हाँ ये मैं मंजूर कर ली बनी ठीक बा ये मैं खुशी की बात हुआ लेकिन वो बात कहे के चाहते हैं हाँ हाँ इसे लॉकडाउन के कारण भैया से अच्छा अच्छा और छेका में तो हमें बहुत ही ढेर साथी बने और कुटुंब बहुत ही बड़े बड़े लोग बने मेरे सत्संग किया हाँ हाँ 250 से बेसी पूछ जाए हाँ उसे 150 आदमी के जो अपन पर्सनल आदमी है हाँ उसका कपड़ा तो देवे के पड़ी ये कहे वाला बातें नहीं खे ये तो हमारा खुशी के बात बा कि कपड़े लाता से तो कुटुंब आई थी हाँ रउआ के जैसन कपड़ा जमा दुकान में चले रउआ सस्ता किन चाहे मांगा कि नहीं हमारा तो भुगतान है अच्छा ये सब बात तो ठीक बात आप बसरते पंडित जी के बुलवा के कल सवेरे कल सवेरे पंडित जी के अपने द्वार में बुलवाए अच्छा अच्छा आप बढ़िया मुहूर्त दिन देख के अच्छा शुभ दिन अच्छा अच्छा कि लगन भर रात होके हाँ हाँ वही दिन देख के लिखवा के आकाश पहुँचवा दो ऐसे में लगन के बारे में कुछ हम बतवा लो बानी पंडित जी से हम बात कर बानी तो ऐसे अपने के 20 तारीख के बहुत अच्छा धूमधाम से 24 घंटा लगन मुहूर्त अच्छा बा ना मुहूर्त अच्छा होए तो वही 20 तारीख के ऐसे पंडित जी से देखवा भी ले आ 20 तारीख के बेसी कोशिश करके टाइम कम बा बनी बहुत बढ़िया नजदीक के वही धूमधाम से आ दिन उतरवा के कागज हमरा लगे बिहान संदीप जी बात है वही बात कि रहुआ गांव में लॉकडाउन कारण से अच्छा बर बढ़िया जाता तो उसमें दिक्कत नहीं होगा वो उन कुछ दिक्कत नहीं है और नजदीक स्थानीय प्रशासन लोग से स्थानीय प्रशासन लोग से निर्देशन ले लें निर्देशन भेला के बाद हम बैंड बाजा ले जाए नाच ले जाए धूमधाम से हुई लॉकडाउन के पालन कर लोग देखी यार जी नगर पालिका में से भेजवा देवल जते पेपर एक बेर पढ़ी में आज देखु ना हो जते रहल बात भी अपने के बड़ जतिए कदम हेलमेट और मास्क ना छोड़ हां ई तो एकदम बड़ी बात है कि अपना सुरक्षा भी चाहिए हां सुरक्षा तब हमने के छुट्टी दे अब हमने ना 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 सुनिए जब सब बात हो गई तो वो मछली मंगाई है बाजार से अच्छा अपन तो हमरा विचार से खाना ना खाई आज रात रात मिल जाए सवेरे फिर चाय पी के चल संदीप जी बहुत टाइम बाद
अब बुझी कि रिश्ता हो गया बाद में कब आए कब ना कोई रहल बात नाश्ता वास्ता हो गया आ जाए के टाइम हो गया लॉकडाउन इधर रात में जब तो पुलिस उस बारा देगा प्रॉब्लम कर मुंशी जी ये जाए चंदन जी के दुकान से बढ़िया पान क्या के जी जी मैं कोई कमी करना पड़ी कमी ना हो गया चाहिए बर बरात में पहले अपन आदमी चंच रखे झगड़ा ना हो चाहिए मत करी झगड़ा इनका गांव में इतना नाम बनू कोनो आईबे ना करी ये वो कोनो बोलबे ना करी जब ना तो साथ में बुला जाला तो हमरा टेंशन ना रहला अच्छा लेकिन जब कहू झगड़ा कर लेला इतना टेंशन बन जाला सेठ जी बतवे छोड़ दी इतना नाम बाकी कोनो दुर्वा पे आईबे ना करी माने की झगड़ा बात वाला सर जी के संधि जी रहल बात की खाना में बोलिए के सब के तो हम तो कहें मीट चावल खिया दी कथी करे वो सारा तो छोड़िए दिए रहूगा बॉयलर चल जाए हाँ बॉयलर तो कुछ कम लोग खा ला लेकिन अभी घसीयत के लोग अच्छा बासमती चावल सलाद बढ़िया वो पुलाव सलाद बहुत बाहर तब होता पचास साल खांसी घुमा दे तो मुर्गा छोड़ दी का हमरो इज्जत दूर के गए खांसी खांसी है खांसी छोड़ दी मेरे के मास कर दी ना दस पंडों को खांसी नाम दिए को सिर्फ लाइक रोइये से ना तो चोइये चोइये से ठीक बा याद कर रहा हूँ दिल में रखा पंडित जी सवेरे बुलाए दो बार फोन करे नंबर बाद मानू हमार नंबर 98 11 20 94 25 ये नंबर में फोन करें ठीक बा मुसीब चक्र जी